जब आप मुख्यमंत्री पद पे जस्ट बैठ आए ही थे, आपने एक वादा किया था कि अगले 2 साल में मुंबई पॉटहोल फ्री हो जाएगी, कॉन्क्रीट की सड़कें बन जाएंगी। हालांकि वो डेडलाइन आ चुकी है, अब क्या कोई नई डेडलाइन, क्या स्टेटस है उस प्रोजेक्ट का? क्योंकि कुछ टेंडर्स निकले भी थे, कहीं पे काम शुरू नहीं भी हुआ, वापस से भी टेंडर्स साउथ बॉम्बे के लिए निकले हैं, तो अब उसका क्या स्टेटस है? अब कोई डेडलाइन आपने नहीं? पहले जब हम सरकार में आए, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने और हमारे देवेंद्र जी ने कमिश्नर, कॉरपोरेशन कमिश्नर को बुलाया बीएमसी के, और मैंने उनको कहा कि अभी आप 2 फेज में पूरे कंक्रीट के रोड बनाओ। पहले फेज में 6,000 करोड़ के कंक्रीट के रोड के टेंडर हो गए, अभी काम शुरू हो गया। दूसरे फेज का जो अभी उसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और अगले बिल्कुल 2 साल के अंदर पूरा मुंबई चकाचक हो जाएगा एकदम। 2026 मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री इन नेक्स्ट 2 इयर्स, 2.5 इयर्स। कि मुंबई में खासकर की फिलहाल कंस्ट्रक्शन की जो इतनी साइट्स खुली हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के लिए है, अर्बनाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए है, आने वाले बेहतर कल के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए जो वर्तमान है वो सफर कर रहा है। आप जिस भी गली में जाएं, जिस भी रोड में जाएं, सड़कें खुदी हुई हैं, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, रात में आप सो नहीं सकते क्योंकि काम चल रहा है। तो कोई डेडलाइन मुंबईकर्स को आप देना चाहेंगे कि उनका वर्तमान कब शांत होने वाला है? अभी जितने कंस्ट्रक्शन साइट है, जो MMRDA के हो या प्राइवेट हो, उनको कहा है कि आपके वजह से पोल्यूशन नहीं फैले, डस्ट मिट्टी नहीं उड़े, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा सर। हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली पुलअप किया था स्टेट गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स वालों को कि आपको ऑर्डर दिए हैं कि आप वहां पे पोल्यूशन को कर्ब करें, बिल्कुल, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो वो फॉलो नहीं हो रहा है सर? नहीं, बिल्कुल फॉलो करेंगे जी, हाईकोर्ट ऑर्डर बिल्कुल फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन को लेकर के, ट्रैफिक से लेकर के, नॉइस पोल्यूशन की जो समस्याएं, कितने महीनों, कितने सालों में मुंबई का भी देखो ना, एक कोस्टल का एक पार्ट शुरू हो जाएगा। ये कोस्टल हाईवे जो मुंबई का है, MTHL की वजह से ट्रैफिक कम हो जाएगी। अभी मेट्रो, अभी कोस्टल जो है वो सेकेंड पार्ट मई तक हो जाएगा, और ये विरार से, वर्सोवा से लेके आगे उत्तन मीरा भाईंदर से लेके विरार तक जाएगा, तो ये ट्रैफिक खत्म हो जाएगी। मतलब मई तक कुछ राहत मिलने की उम्मीद? मई को ये सेकेंड फेज जो है कोस्टल का वो कंप्लीट होगा। तो ये मुंबई में भी यहाँ की जो ट्रैफिक है उसको डीकंजेस्ट करने का काम भी सरकार और BMC मिलकर निश्चित रूप से करेगी। Strengthen your portfolio with real-time market updates on the go. Create effective strategies with insightful expert opinions on the go. Grow on the go with CNBC TV18, now streaming live 24/7 on YouTube. For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV18 on all of our digital platforms.